एकदम इजीली दोस्तों खींच लिया। दोस्तों इससे पहले मैंने साइनेक्स प्रो ब्रांड का कॉर्डलेस यानी वायरलेस ये वाला कार वैक्यूम क्लीनर का वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। रिसेंटली साइनेक्स प्रो ब्रांड की तरफ से एक वायर वाला कार वैक्यूम क्लीनर लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही मैंने ऑर्डर कर दिया था वीडियो बनाने के लिए। पार्सल हमारे हाथ में आ चुका है फाइनली। तो आज के इस वीडियो में इस बॉक्स को करेंगे अनबॉक्स, अंदर में क्या क्या मिलता है देखेंगे, बात करेंगे इस वैक्यूम क्लीनर का स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में, साथ ही साथ इस कार वैक्यूम क्लीनर को हमारे कार में यूज करके देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। और वीडियो देखने के बाद आप अगर साइनेक्स प्रो वायर वाला कार वैक्यूम क्लीनर को खरीदना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेसिंग आपको मिल जाएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर में यहाँ पर मेन बॉक्स है प्लास्टिक रैपिंग के साथ। दोस्तों ये रहा बॉक्स, यहाँ पर लिखा है साइनेक्स प्रो वायर्ड वैक्यूम क्लीनर और वैक्यूम क्लीनर कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ पर फीचर्स वगैरह मेंशनड है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का हेपा फिल्टर मिल जाता है जिसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं और इसमें आपको एल्यूमिनियम फैन ब्लेड मिल जाता है, मतलब मोटर का जो फैन है वो एल्यूमिनियम का है जो कि इस वैक्यूम क्लीनर के ड्यूरेबिलिटी और सक्शन पावर दोनों को इंक्रीज करता है। और इसमें आपको 5 मीटर का लॉन्ग पावर केबल मिल जाता है जो कि इस वैक्यूम क्लीनर के रीच को काफ़ी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, जो कि यहाँ पर भी मेंशन है। देखिए 5 मीटर पावर केबल फॉर एनहांस्ड रीच। और इस वैक्यूम क्लीनर में आपको 7000 पीए यानी 7 केपीए का सक्शन पावर मिल जाता है जो कि ऊपर यहाँ पर भी मेंशन है। देखिए सक्शन पावर है 7000 पीए यानी 7 केपीए और वोल्टेज है 12 वोल्ट, मैक्सिमम करंट है 8 एम्पियर और एमआरपी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ₹2699। और यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं इस वैक्यूम क्लीनर को आप वेट एंड ड्राई दोनों यूज़ में ही ले सकते हैं, मतलब दोनों यूज़ में ही कंफर्टेबल है। लेकिन मैं पर्सनली आपको इस छोटा वाला कार वैक्यूम क्लीनर को वेट यूज़ के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा और बाकी चीज़ अपने हिसाब से आप पहुँच करके देख सकते हैं चाहे तो, जो कि मैंने पहले भी आपको इस साइड से पढ़ के बताया। और बॉक्स के इस साइड में अगर दिखाया जाए तो इस वैक्यूम क्लीनर में आपको देख सकते हैं 1 साल का वारंटी मिल जाता है और बैक साइड में यहाँ पर बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है, मतलब पिक्चर लगा हुआ है और कहाँ कहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है। दोस्तों बॉक्स के अंदर में ये रहा वैक्यूम क्लीनर का यूज़र गाइड यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसके अलावा यहाँ पर ये रहा साइनेक्स प्रो वीआईपी क्लब करके ऐसा कुछ कार्ड है जिसमें 1 ईयर का वारंटी है, ये वाला चीज़ भी मेंशनड है। इसके अलावा ये रहा वैक्यूम क्लीनर का फ्लेक्सिबल होस पाइप और क्वालिटी वाइज दोस्तों ये ठीक ठाक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये रहा वैक्यूम क्लीनर का क्रिवाइस नॉजल। ये क्रिवाइस नॉजल दोस्तों जो नैरो कॉर्नर या फिर नैरो सर्फेसेस होता है उन सारे सर्फेस को कार में क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा दोस्तों ये रहा वैक्यूम क्लीनर का ब्रश नॉजल और वैक्यूम क्लीनर को निकालते हैं और नीचे यहाँ पर एक स्टोरेज बैग भी है दोस्तों जिसके अंदर में वैक्यूम क्लीनर को आप स्टोर करके कहीं पर कैरी कर सकते हैं इस हैंडल की मदद से। और इसके अलावा दोस्तों इस पैकेट के अंदर में है वैक्यूम क्लीनर और अभी बॉक्स खाली है, इसको साइड में कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर के ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको इस फ्लेक्सिबल होस पाइप के एक साइड को इस तरीके से कनेक्ट करना है। अभी आपके यूज़ के अनुसार इस फ्लेक्सिबल होस पाइप के यहाँ पर आप चाहे तो इस ब्रश नॉजल को ऐसे अटैच कर सकते हैं या फिर चाहे तो इस क्रिवाइस नॉजल को भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली इस वैक्यूम क्लीनर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एकदम यूनिक और प्रीमियम डिज़ाइन है इसका। यहाँ पर है साइनेक्स प्रो का बैजिंग और ये वाला पोर्शन में है दोस्तों वैक्यूम क्लीनर का डस्टबिन या फिर डस्ट कलेक्शन एरिया जहाँ पर वैक्यूम करने के बाद डस्ट कलेक्ट होता है। और यहाँ पर एक कैप भी लगा हुआ है ताकि अंदर में जो डस्ट कलेक्ट हो वो नीचे होने से बाहर ना आ जाए, ये वाला कैप के मदद से देखिए। और वैक्यूम क्लीनर के ऊपर में ये रहा दोस्तों ऑन ऑफ का स्विच और दोनों साइड में दो जो स्पेस है दोस्तों मेरे ख्याल से इस साइड से वैक्यूम होगा एयर और इन दोनों साइड से एयर ब्लो होगा। और वैक्यूम क्लीनर के
मतलब जो डस्ट कलेक्शन एरिया यानी डस्टबिन है इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक स्विच है, इस स्विच को इस तरीके से आपको प्रेस करना है और आगे की तरफ ऐसे करके आप मतलब ये वाला पार्ट को अलग कर सकते हैं और यहाँ पर ये वाला पोर्शन को ऐसे मतलब पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर डस्ट कलेक्ट होता है दोस्तों। और ये वाला जो हेपा फिल्टर है दोस्तों ये है स्टेनलेस स्टील का, जिसको आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉक्स पर भी मेंशन था। अब इसको वापस से लगाने के लिए देखिए दोस्तों, ऐसे करके इस स्विच को प्रेस कर छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अभी वैक्यूम क्लीनर के जो वायर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वायर के ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको कनेक्ट करना है कार के 12 वोल्ट जो सिगरेट चार्जर यानी पावर सॉकेट है वहाँ पर। और ये दोस्तों 5 मीटर का है जैसे बॉक्स पर मेंशन था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार अप्रॉक्स दोस्तों यहाँ पर नाप लेते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ दोस्तों 5 मीटर का पावर केबल है। वैक्यूम क्लीनर के परफॉर्मेंस को टेस्ट करने से पहले यहाँ पर कार के इंटीरियर को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर को ड्राइवर सीट पर कितना ज़्यादा गंदगी है, साथ ही साथ फ्लोर कारपेट को देखिए, या फिर यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर में देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं, या फिर डोर के साइड पैनल पर यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा गंदगी है। एक्चुअली वीडियो के पर्पस में दोस्तों इतना गंदगी मैंने जानबूझ के ही किया है, अदरवाइज़ रोज़ रोज़ इतना गंदगी कहाँ से लाएंगे। वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करने से पहले दोस्तों हमेशा आपके कार के जो इंजन है इंजन को स्टार्ट कर लेना है, अदरवाइज़ बैटरी डिस्चार्ज होने का, बैटरी ड्रेन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अभी इंजन को स्टार्ट करने के बाद वैक्यूम क्लीनर के जो पावर केबल है इसको कनेक्ट करना है आपके कार के जो 12 वोल्ट का सिगरेट चार्जर यानी पावर सॉकेट है यहाँ पर। अभी दोस्तों वैक्यूम क्लीनर को पावर ऑन करते हैं। इस तरीके का वैक्यूम क्लीनर को मैंने बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर को मैंने यूज़ किया है, उसके मुकाबले इसका नॉइज लो है। अगर इस चीज़ को आप सामने से सुनेंगे तो आपको और भी क्लियरली अंदाज़ा आएगा दोस्तों। और जैसे मैंने पहले अंदाज़ा लगाया था दोस्तों, एयर को वैक्यूम क्लीनर इस साइड से सक कर रहा है और इन दोनों साइड से दोस्तों एयर को ब्लो कर रहा है, देख लीजिए एकदम फैन की तरह काम कर रहा है दोस्तों। दोस्तों इस वैक्यूम क्लीनर के पावर केबल है 5 मीटर का, जो कि काफ़ी बड़ा साइज का है। यहाँ पर कार के 12 वोल्ट पावर सॉकेट पर पावर केबल कनेक्ट है। अभी मैं वैक्यूम क्लीनर के वायर को कार के बाहर लेकर चलता हूँ, देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ आ गया मैं देख लीजिए, एक बार ऑन करके भी आपको दिखाते हैं। ऑन हो रहा है मतलब कनेक्ट है प्रॉपरली, तो इसी से आपको अंदाज़ा आ गया होगा। इस वैक्यूम क्लीनर को आप चाहे हैचबैक कार हो, चाहे एसयूवी कार हो, किसी भी कार के इंटीरियर के हर एक कॉर्नर पर यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी ये आसानी से पहुंच जाएगा। वैक्यूम क्लीनर को सबसे पहले कार के डोर के साइड पैनल के ये वाला गंदगी को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर अंदर में डायरेक्टली नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल होस है फ्लेक्सिबल होस को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं। अभी ऑन करने के बाद देखिए कितना आसानी से दोस्तों सारे गंदगी को वैक्यूम कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से दोस्तों क्लीन हुआ यहाँ पर। अभी दोस्तों यहाँ पर को ड्राइवर सीट के जो गंदगी है यहाँ पर होस पाइप को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो डायरेक्टली वैक्यूम क्लीनर को ऑन करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस ब्रश अटैचमेंट्स को भी यहाँ पर कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए ब्रश अटैचमेंट को निकाल देते हैं और डायरेक्टली वापस यूज करते हैं। ब्रश अटैचमेंट दोस्तों बेसिकली कारपेट के ऊपर में सबसे ज़्यादा काम आता है, अगर बहुत ज़्यादा चिपक गया है कारपेट के साथ डस्ट वगैरह तो उसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रब करके क्लीन करने के लिए ब्रश नोजल बढ़िया काम करता है।
अभी देखिए दोस्तों, ये वाला जो कॉर्नर पोर्शन में जो गंदगी है, इसको क्लीन करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करना, तो इसलिए ये जो क्रिवाइस नॉजल है इसको अभी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, कितना आसानी से कॉर्नर वगैरह भी, मतलब कॉर्नर की गंदगी वगैरह क्लीन हो रहा है। अभी दोस्तों, फ्लोर कारपेट के ऊपर में जो गंदगी है, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ब्रश नोजल को यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, थोड़ा सा स्क्रब किया, वापस से वैक्यूम कर रहा हूँ। वैक्यूम क्लीनर के परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए, तो एक छोटा कार वैक्यूम क्लीनर के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया। आप चाहे तो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन कोई अगर इलेक्ट्रिक पावर्ड वेट एंड ड्राई बड़ा वाला जो वैक्यूम क्लीनर होता है, उसका परफॉर्मेंस इस छोटा वाला वैक्यूम क्लीनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको कभी भी नहीं मिलेगा उसके सामने ये खिलौना है। और उसके साथ इसका कंपैरिजन करना या फिर उसका जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना भी इससे मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगा। दोस्तों, वीडियो को शूट करने के दौरान जितने भी डस्ट को हमने वैक्यूम क्लीन किया, तो वो सारे डस्ट यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक कैप लगा है रबर का, जिसके कारण देखिए डस्ट बाहर की तरफ नहीं आएगा यहाँ से। तो अभी दोस्तों डस्टबिन को निकालते हैं, देखिए कितना डस्ट कलेक्ट हुआ है, देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से दोस्तों एकदम कलेक्ट हुआ है, और अंदर के पोर्शन में डस्ट बिल्कुल भी नहीं गया। यही वाला दोस्तों फैन ब्लेड जो है मोटर का, ये एलुमिनियम का बना हुआ है। साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर के वीडियो में दोस्तों सक्शन पावर कितना दमदार है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यही वाला स्टील बाउल को वहाँ पर सक्शन करके आपको दिखाया था, इजिली सक्शन हो गया था। तो वहाँ पर हाई गियर मोड में भी दोस्तों 7 KPA का सक्शन पावर मिलता है, और इस मशीन में भी 7 KPA का ही सक्शन पावर मिलता है। तो ये मशीन भी ये स्टील बाउल को उठा पाता है या नहीं वो देखते हैं। तो अंदर के पोर्शन से नहीं जा रहा है, इसलिए स्टील बाउल को उल्टा कर देते हैं और इसको ऑन करते हैं। एकदम इजीली दोस्तों खींच लिया जो बाउल है, इसको एकदम वैक्यूम कर लिया बढ़िया तरीके से। देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम उठा लिया बढ़िया तरीके से। देखिए थोड़ा सा हिला रहा हूँ तो भी नहीं गिर रहा है। अभी दोस्तों मैं मशीन को ऑफ करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। मिलता है एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।